आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हांडिया नर्मदा क्षेत्र से घर घर झंडा हर घर झंडा अभियान का शंखनाद किया, साथ ही नगर में रैली निकालकर आतिशबाजी की। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह तोमर ने मंच से सैकड़ों की संख्या में आए आदिवासी भाइयों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कांग्रेस के 60 से 70 वर्षों में भी आदिवासी भाइयों यह आपका विकास नहीं कर पाए तो आने वाले समय में क्या विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को 75 साल हो गए हैं आजाद हुए, लेकिन आज भी आदिवासी भाई जल जंगल जमीन के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। जन जन तक जाके अपने क्या बोलते हैं घर घर झंडा हर घर झंडा अभियान के तहत एक एक पोलिंग बूथ में 41 युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाली इसी 2023 में नवंबर दिसंबर जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमारे ये युवा लोग जाके जो है पोलिंग बूथ में अपने हर पोलिंग बूथ में वोटर को निकाल के और पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। चुनाव में हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर जो हमको जिम्मेदारी दी गई है कि अल्पसंख्यक समाज को इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अधिक जोड़ना है। आज हमने अपील की है अपने जिलाध्यक्षों से कि अधिक से अधिक मुस्लिम समाज इसमें जुड़े और आदिवासी का मुसलमानों का भाईचारा मजबूत करके और सभी वर्गों का सहयोग लेकर मध्य प्रदेश में एक ऐसी स्थिति बनाए कि न भाजपा की सरकार बने न कांग्रेस की सरकार बने।